तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन सॉन्ग है कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से सीज़न 15 का एक और सॉन्ग आया है। सॉन्ग का नाम आके 2 AM और स्टार शाह एंड जीशान अली इन दोनों ने मिलके बनाया है सॉन्ग। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है और कोक स्टूडियो की तरफ से है सॉन्ग, तो डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगा क्योंकि यूनिकनेस के साथ आते हैं। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो हर एक सॉन्ग में कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस रहता है, कुछ ना कुछ तो फ्लेवर अपना छोड़ के जाते हैं। तो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, देखते हैं क्या नया है इस सॉन्ग में बोल के। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस। तो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, उसके बाद में बात करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कोक स्टूडियो सीजन 15। टू AM स्टार शाह जीशान अली। तो खा हर पासे दिला विच चोर रख देने बुढ़िया ते झूठे हासे। वॉइस बहुत अच्छा है गाइस स्टार शाह का। हाय तो खा हर पासे रिलेटेबल लिरिक्स। चोर रख देने बुढ़िया ते झूठे हासे। नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, सचियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए। शूट देखो गाइस, मुजस्मे बना के खड़े करो लेना मजनू दे पूरे शहर। मतलब घर में म्यूजिक। सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिए। यह रूहां वाले प्यार जड़े कर दे सी लो, जिस मत पर सीरता ते मर दे सी लो। यारा चले गए दीवाने बुझ गए सारे ओ परवाने बन के चाहे प्यार एक जो सेंच रखना मैं गल करा स्ट्रेट। प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक। दिल दी सौदेबाजी बन गया के एते शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक। आदत पै गई पैसे खाण दी, टके दी ना रही कीमत जान दी। इस दुनिया ते कीवे मैं यकीन करा, घूमदा शैतान पाके खल इंसान दी। स्टार शाह हाउ डिड यू नो, बहुत ही तगड़ा। हाउ डिड यू नो, हर पासे दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। हाय बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। शूट देखो गाइस कितना प्यारा किया है। झूठे लोग झूठे ला रहे ने, जिदा ता लगे ला रहे ने। वादे कर किसे होर देना, होर किसे ना निभा रहे ने। बेकदरा ना ला बैठ तायो आज ओ सता रहे ने। जो दुनिया ते तुम्हें हसी ना मिट्टी च मिला रहे। दस की दुनिया दारी शे यार मोहब्बत सारी शे। चाहत वाले मर नहीं सकते, चाहत ऐसी प्यारी शे। यार तो सदके यार तुम्हारी कायम दायम इश्क खुमारी। जिथे यार दी गल आ जावे उथे दुनिया की हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। चले अजी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी। आखर उल्फत की हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है।
ਵੇਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ बहुत ही तगड़ा गाइस सेकंड सॉन्ग है सीज़न 15 का शायद पाकिस्तान कोक स्टूडियो की तरफ से बहुत ही तगड़ा सॉन्ग फर्स्ट मतलब आई आई सॉन्ग बहुत ही अच्छा था वो सिंधी टाइप सॉन्ग था और ये सॉन्ग आके बहुत ही तगड़ा गाइस मतलब लिरिकली इतना तगड़ा सॉन्ग और स्टार शाह की आवाज़ और जीशान अली की आवाज़ मैंने इनको कभी नहीं सुना पहले मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही तगड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइब आ रहा है गाइस मतलब वोकल्स बहुत तगड़े हैं स्टार शाह का एक अलग फ्लेवर है जीशान अली का एक अलग फ्लेवर है जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जहर है और लिरिक्स भाई मतलब रिलेटेबल लिरिक्स हैं जो अभी की मतलब कभी भी ये लिरिक्स हर हमेशा रिलेटेबल रहते हैं जो कि प्यार मतलब जो इश्क मोहब्बत प्यार होते हैं ना धोखेबाज होते हैं मतलब रहता है ना जो इश्क मोहब्बत अभी के ज़माने में थोड़ा बहुत कम हो गया है थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है तो उसके ऊपर लिरिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा फेक स्माइल मतलब फेक स्माइल रखना फेक पूरा अपने मतलब के हिसाब से यूज़ कर लेना आदमियों को इस तरह के मतलब लिरिक्स हैं रिलेटेबल लिरिक्स जो कि स्टार शाह ने गाए हैं और जीशान अली आके मोहब्बत और मोहब्बत की होंदी और मोहब्बत की होंदी वो लाइन के बाद में जो मतलब फ्लेवर ऐड किया है ना बहुत ही अच्छा लगा गाइस मुझे लिटरली लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत ही आप कभी भी सुन सकते हो और कोई भी दौर में सुन सकते हो ऐसे लिरिक्स बहुत ही अच्छे लगेंगे बहुत ही अच्छा वाइब बहुत ही फ्रेश वाइब दे रहा है गाइस सॉन्ग और म्यूज़िक पे बात करें ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीडियो पे बात करेंगे हम पहले जिस तरह से सॉन्ग स्टार्ट हुआ ना स्टार शाह को मतलब एक मोहल्ला लेके एक गली एक स्ट्रीट लेके जो कोक स्टूडियो का है ना इनसाइड स्टूडियो का ही है वो शायद इनसाइड का ही स्टूडियो है वो कोक स्टूडियो के अंदर की स्ट्रीट को लेके स्टार शाह जिस तरह से वॉक कर रहे हैं उस वो वॉक को लेके जिस तरह से शूट कर रहे हैं ना वो कैमरामैन का बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो कि एक एक घर के अंदर एक एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जो गिटार है जो इलेक्ट्रिक गिटार है जो फ्लूट है स्ट्रीट पे खड़के बजा रहे हैं बहुत ही तगड़ा लगा गाइस बहुत ही तगड़ा और आर्टिस्ट को देखते हैं पहले ड्रम्स आके डो ड्रामाए और सिंक बेस आके वालिद अतीक और सिंक आके अली रज़ा इलेक्ट्रिक गिटार आके अस्तेरिया अकोस्टिक गिटार्स आके सैयद ओवैस काजमी फ्लूट आके हैदर अब्बास बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही प्यारा परकशंस आके वीरू शान और जोशुआ अमजद ने मतलब इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इन्होंने नहीं लिए लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लिए ना बहुत ही प्यारे लिए हैं गाइस मतलब फ्लूट गिटार परकशंस इलेक्ट्रिक गिटार ड्रम्स स्पेशली ड्रम्स और फ्लूट मुझे इलेक्ट्रिक गिटार इन तीनों का मिक्सचर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही प्यारा लगा और कंपोज्ड बाय स्टार शाह जीशान अली एंड जुल्फी म्यूज़िक कंपोज़र आके मिक्स मास्टर आके जुल्फी ने किया है तो बहुत ही प्यारा गाइस बहुत ही अच्छा लगा मुझे बहुत ही मज़ा आया सुन के इस सॉन्ग को सुन के अगर किसी को मज़ा नहीं आया ना तो फिर क्या म्यूज़िक टेस्ट है गाइस मतलब इतना अच्छा सॉन्ग इतना अच्छा म्यूज़िक इतना अच्छा शूट और इतने अच्छे आर्टिस्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीज़न 15 की तरफ से 2 AM सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही मज़ा आया होप आपको भी बहुत एन्जॉयमेंट मज़ा आया होगा जो कि बहुत ही अच्छा लगा गाइस बहुत ही फ्रेश है बहुत ही मतलब रिलेटेबल लिरिक्स है और एकदम वाइब कर रहा है सॉन्ग तो सिंगर्स का वॉइस पूरा का पूरा मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकते सभी का सभी ज़बरदस्त है देखने के लिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है सॉन्ग तो जो मुझे लगा दिल से मैंने बता दिया गाइस अगर कुछ गलत बोल दिया अगर कुछ छूट गया तो माफ़ कर दीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत पीस आउट